रांची के बुंडू में कोरोना विस्फोट हुआ है। बुंडू स्थित इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास की 28 छात्राएं एवं एक गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही छात्रावास से कुल 29 के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रावास को सील कर दिया गया है। उक्त कोरोना विस्फोट के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों में कोरोना को लेकर एक बार फिर खौफ बन गया है। प्रशासन भी अब हरकत में आ गई है। अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू उपाधीक्षक डॉक्टर विजय प्रसाद ने बताया कि बुंडू एसडीओ द्वारा विभिन्न स्कूलों छात्रावासों में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद पहले बुधवार को छात्र छात्राओं का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक विजय प्रसाद द्वारा गुरुवार को एक जांच टीम बुना इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भेजा गया। गुरुवार को कुल 96 का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। गुरुवार को किए गए टेस्ट में फिर 24 छात्राएं एवं एक गार्ड कुल 25 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार इंदिरा गांधी आवासीय बालिका नौ विद्यालय छात्रावास में अब तक कुल 29 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुंडू सीओ राजेश कुंडुम ने बताया कि सभी 29 कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि बगैर मास्क कोई घर से बाहर न निकले। बच्चियों का कुछ सिम्टम्स था कोविड का, तो कल वो लोग कुछ बच्चे आए थे अस्पताल जांच कराने, उसमें 4 का पॉजिटिव निकला था। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था और आज भी रैपिड एंटीजन टेस्ट हम लोग करवाए हैं हम लोग स्कूल एड्रेस पे। तो 25 बच्चियों का जहाँ तक अभी सूचना मिली है, हमारे पास लिस्ट अभी नहीं आया है, अभी लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव पाए गए तो हम लोग प्रशासन को सूचित करेंगे। जैसे लिस्ट आ जाता है तो उसके बाद प्रशासन को सूचित करेंगे और उस हिसाब से उचित कार्रवाई करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हमारे बी डी ओ साहब और सी ओ साहब को Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। We'll be right back.